हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वाटर कलर पेंटिंग। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्लाई ए वाटर लेयर ऑन पेपर। इसके बाद मैंने मस्टर्ड येलो कलर का यूज़ किया है और इसके बाद ऑरेंज कलर, उसे अच्छे से मर्ज किया। फिर हमने रेड कलर का यूज़ किया है और अब तीनों शेड्स को हम आपस में मर्ज करेंगे। और क्लाउड्स में हमने रेड कलर अप्लाई किया है। इसके बाद हमने सनसेट को दिखाने के लिए और उसका इफ़ेक्ट नीचे समुंदर में दिखाने के लिए बहुत सारे शेड, जिसमें रेड, येलो, वाइट, ये अप्लाई किए हैं। सन सबसे पहले लेमन कलर में और फिर इसके बाद हमने वाइट कलर से उसे अच्छा लुक और ग्लोइंग लुक देने के लिए हमने वाइट कलर का यूज़ किया। फिर नीचे समंदर में हम येलो कलर का यूज़ कर रहे हैं। वाइट, रेड, सनसेट के टाइम जब हम देखते हैं समुंदर में बहुत सारी कलर्स, बहुत सारी शेड्स हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हमने ब्लैक कलर का यूज़ किया है आइलैंड दिखाने के लिए। बहुत दूर कहीं कोकोनट ट्रीज हमें दिखाई देते हैं, कोकोनट ट्रीज बनाए हैं, ब्लैक कलर का यूज़ किया है। और पानी में हमने इसकी शेडो भी दिखाई है। और यहाँ हमने सी बीच दिखाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया है, जहाँ खड़े होकर हमें मानो पूरा सी, सनसेट का, सी का व्यूज़ हमें दिख रहा हो। अब इसके बाद हमने कोकोनट ट्रीज ब्लैक कलर का यूज़ किया है। कोकोनट ट्रीज बनाने के लिए हमने कोकोनट ट्रीज के बड़े शेप में जो ये लीफ बनाए हैं, यहाँ मैंने जीरो साइज का ब्रश का यूज़ किया है ताकि हम अच्छे से उसकी पत्तियों को बना सकें। इस पेंटिंग में मैंने डोम्स वाटर कलर, ट्यूब वाले वाटर कलर्स का यूज़ किया है। और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। अब हमने दूसरा कोकोनट ट्रीज, जो कि थोड़ा झुका हुआ है समुंदर की तरफ, वो हमने बनाया है यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पेंटिंग यहाँ कंप्लीट होने जा रही है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो और भी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हमने बर्ड्स दिखाए हैं, बिना बर्ड्स के कोई भी सनसेट कंप्लीट ही नहीं होता। तो हमने यहाँ पर कई बर्ड्स
बना दिए। आई होप ये अच्छी लगी होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।